हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बोर्ड का फिजिक्स का डेरिवेशंस हैं। देखिए डेरिवेशंस से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये हर साल पूछते रहते हैं। रदरफोर्ड चोड़ी नियम के व्यंजक को व्युत्पन्न करो। देखिए इसका थ्योरी के साथ इसका डेरिवेशंस क्या हो, तो आपको पूरा वीडियोस देखना है ताकि आपको पूरा ये समझ में आ सके। रदरफोर्ड चोड़ी के नियमानुसार किसी क्षण यानी कोई टाइम है पर एकांक समय में, यानी कोई एकांक समय लेते हैं, फिक्स टाइम लेते हैं, मैं सहित होने वाले नाभिकों की संख्या यानी कि विघटन की दर है ना, नाभिकों की संख्या जो सहित हो रही है, घटाव हो रही है, कमी हो रही है ना, कह सकते हैं उस क्षण पर किसी नमूने में विद्यमान, और उसी क्षण उसमें कोई एक नमूना ले उसमें विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है ना, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, समानुपाती होती है। तो देखिए ये तो हो गई रदरफोर्ड चोड़ी का नियम है, ये हो गई थ्योरी। ये रदरफोर्ड चोड़ी का नियम आ जाए तो ये एक नंबर दो नंबर एक नंबर में जो भी आए तो ये लिखना है ना, और फिर हमें ये डेरिवेशंस करना है। देखिए या इसने व्यंजक व्युत्पन्न करने को कहा है, तो माना किसी क्षण पर दिए गए नमूने में शहीद होने वाले नाभिकों की संख्या डीएनए है ना, तो कोई टाइम ले रहे पीरियड, अब जैसे कोई टाइम ले रहे डीटी है ना, तो उसमें शहीद होने वाले के लिए क्या लेंगे, नाभिकों की संख्या एन की जगह मतलब डीटी ले रहे तो नाभिकों की संख्या डीएन लेंगे है ना, तो डीएन तथा इस क्षण पर नाभिकों की संख्या एन है ना, तो नमूना ले रहे हैं नमूने में तो डीएन ले रहे हैं ना, कोई नाभिक है उसके शहीद होने वाले, कोई जैसे ये नाभिक है इसका कोई नमूना ले रहे हैं इसके लिए तो हम डीएन शहीद है ना, और इसमें नाभिकों की संख्या एन है ना, तो तथा इस क्षण पर नाभिकों की संख्या एन है तो क्षण डीटी के लिए। अब डीटी के लिए क्या है, थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि नाभिकों में शहीद होने वाले नमूने के नाभिकों की संख्या का अनुक्रमानुपाती होती है ना, तो देखिए नमूना का क्या है डीएन है ना, डीएन लिया और उसमें शहीद होने वाले यानी कि क्या होगा, डीएन में कमी किसके, डीटी कमी है यानी माइनस है ना, किसके समानुपाती, नाभिकों की यानी नाभिक की संख्या एन है, तो इसके समानुपाती हो जाएगा माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वलेंस डी एन। ठीक है, तो माइनस डी एन अपॉन डी टी, अब इसको निशान हटाऊंगा तो समानुपाती निशान हटेगा तो लैम्बडा स्थिरांक आ जाएगा, और ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, समीकरण नंबर एक है ना, तो ये यहाँ से देखिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है जो माइनस का निशान है नाभिकों की घटती संख्या को दर्शाता है, इसमें जो ऋण माइनस चिन्ह है वो नाभिकों की संख्या है वो घटती हुई संख्या को दर्शाता है ना, और लैम्ब्डा एक नियतांक है, लैम्ब्डा एक कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्ब्डा नियतांक जिसे शेय नियतांक या विघटन नियतांक कहते हैं है ना, जिसको क्या कहते हैं, शेय नियतांक या विघटन नियतांक कहते हैं। ठीक है, माना प्रारंभ में नाभिकों की संख्या एन नॉट है। देखिए यहाँ पर पहले हम नाभिकों की संख्या एन ली थी, तो हमें पहले एक स्थिति मान लेते कि प्रारंभ में जैसे नाभिकों की संख्या एन नॉट थी। ठीक है, समीकरण एक से किसे, एक से तो डीएन, देखिए ये डीएन है ना, डीएन है तो डीएन यहाँ इसके नीचे ये एन है ना, एन इसके नीचे ला देंगे है ना, किसके नीचे, डीएन के नीचे ये एन ला देंगे, और ये देखिए ये लैम्ब्डा है ना, लैम्ब्डा ये डीटी उधर भेज देंगे है ना, डीटी उधर भेज देंगे, देखिए ये डीटी उधर जाएगा और डीएन इसके नीचे आएगा और माइनस का निशान उधर। ठीक है, तो डीएन डी एन अपॉन नीचे आ जाएगा एन, क्योंकि समान समान पास में ला जाओ, ये एन वाला है, देखो ये नमूने में का है, ये नाभिक का है, तो ये पास में ला दो तो इसके बट्टे में आ जाएगा, और ये डी टी उधर भेज देंगे ताकि इंटीग्रेशंस कर दे, समाकलन करना आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दो के दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन समाकलन करना है, तो इसकी जो लिमिट लेंगे, देखिए नाभिकों की संख्या प्रारंभ में एन नॉट ली थी, तो एन नॉट से नाभिकों की संख्या क्या हो रही है, एन हो रही है, देखिए एन नॉट से क्या हो रही है, नाभिकों की संख्या एन नॉट हो रही, एन हो रही है, तो डी एन अपॉन इसकी लिमिट लेंगे एन नॉट टू एन इज इक्वल टू, इसकी लिमिट क्या लेंगे, टाइम जीरो, पहले तो कोई टाइम नहीं था, फिर टी टाइम पर लिया है ना, जीरो से टी, तो हमें पता है वन अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन है तो एन का क्या हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा है ना, तो लॉग एन हो गया। अब लिमिट है पुट कीजिए, एन नॉट से एन इज इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा, ये स्थिरांक बाहर ले लिया, डी टी है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी है ना, जीरो से टी लिमिट है। अब देखिए यहाँ से ये लॉग एन, यहाँ से लिमिट में पुट करूँगा अपर लिमिट एन तो लॉग एन हो जाएगा, अब लोअर लिमिट पुट करूँगा तब एन नॉट हो जाएगा, तो इसकी माइनस, पहले अपर लिमिट फिर माइनस का निशान, माइनस लॉग नॉट माइनस लैम्ब्डा, यहाँ से देखिए ये टी अपर लिमिट माइनस जीरो, देखिए यहाँ से लॉग
यहाँ से देखिए, हमें पता है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है ना। तो इसी प्रकार log n नॉट माइनस log n माइनस log n नॉट क्या होगा, log e। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log n अपॉन n नॉट है ना, माइनस ए टी में से जीरो हो जाएगा t। अब देखिए जो n अपॉन n नॉट है, अगर मैं ये log की वैल्यू उधर पक्ष में भेजूँ तो ये log किस में बदल जाता है, e में बदल जाता है। या तो आपको 12th में पढ़ा ही होगा फिजिक्स या इंटीग्रेशन में आपने रूल सीखा होगा कि जब log उस पक्ष में जाता है तो अपनी वैल्यू को छोड़ के तो वो e बन जाता है ना, तो वो e की घात में बन जाता है। तो ये सब घात में आ जाएगा, तो e की घात में आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से देखिए एन, ये यहाँ से गया तो e की घात में आया। यहाँ से देखिए एन की वैल्यू निकालनी, एन तो इसका वज्रगुणन हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, और इसका नीचे एक होगा तो इसका इससे एन एन हो जाएगा। इधर देखिए, इधर तो एन, इसका गुणा कर दो डायरेक्ट, तो एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे बहुत न्यूमेरिकल्स पूछते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये आपको याद रखनी है ना। यहाँ तक ये डेरिवेशन था, फिर लास्ट में आपको थ्योरी लिखनी है। ये देखिए यहाँ एन नॉट क्या था, एन नॉट समय टी बराबर जीरो पर सक्रिय नाभिकों की संख्या है, है ना। और जीरो पर क्या ली थी हमने, एन नॉट ली थी, और टी पर क्या ली थी, एन ली थी, है ना। तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि सहित होने वाली नाभिकों की संख्या समय के साथ सरघातांक के रूप में घटती है, यानी माइनस आ रहा है तो सरघातांक के रूप में घटेगी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो वीडियोज को लाइक जरूर कर देना, हमेशा शेयर करना ना बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।